सर प्रोजेक्ट तो अच्छा है, काफी अच्छा है, लेकिन मैं इसे नहीं कर सकती। What? जी नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। No, not possible. No. नहीं, मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। Learn to say no when you can't say yes means art of assertiveness. किस तरीके से आप किसी को अपना व्यू पॉइंट पुट अक्रॉस कर सकते हैं विदाउट ऑफेंडिंग द अदर पर्सन और उसकी दोस्ती भी बनाए रखना। ये प्रॉब्लम बहुत लोगों को आती है। ये असर्टिवनेस जो है, ये लोग सोचते हैं कि हम अगर ज़्यादा असर्टिव हुए तो हम हो सकता है ज़्यादा अग्रेसिव दिखाई देते हैं, या लोग सोचते हैं कि अगर हम असर्टिव होंगे तो हो सकता है हमारे रिश्ते टूट जाएं जिनको हम नो कह रहे हैं। और कई बार हम हाँ कहते रहते हैं इसलिए कहते रहते हैं बिकॉज हम चाहते हैं कि जो सिचुएशन पॉजिटिव है वो नेगेटिव नहीं बने, मगर ये गलत है। हमें अंडरस्टैंड करना है कि नो कहाँ कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। उससे आपकी शख्सियत बनती है, आपकी आइडेंटिटी बनती है, लोग आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं ऑन दी अदर साइड। अब इसको कैसे किया जाता है? सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि कौन से लोग इम्पॉर्टेंट हैं आपकी ज़िंदगी में। आज के स्ट्रेस के अंदर कई लोग हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर, कईयों की इम्पॉर्टेंस ज़्यादा है, कईयों की इम्पॉर्टेंस कम है। जो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट लोग हैं, जो आपके बॉसेस हैं, जो आपके कोवर्कर्स हैं, या फैमिली मेम्बर्स हैं, या एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स हैं, या इन लॉज हैं, बच्चे हैं, बच्चों की टीचर्स हैं, उनके साथ आपने जब डील करना है तो सबसे पहले आपने अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। और उसको आइडेंटिफाई करने के बाद देन हैव द पावर ऑफ सेइंग नो 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 नो। और उसके बाद ये मत कॉन्टेम्पलेट करिए कि आप ये सोच रहे हैं कि अब रिश्ता खराब हो जाएगा या रिश्ता ठीक हो जाएगा। उसके कॉन्सिक्वेंसेस मत देखिए और उसको बोल दीजिए कि नहीं। बट ये पोलाइटली कैसे बोला जाता है, ये एक टेक्निक है। जब भी आप किसी को कन्फ्रंट करते हैं, सबसे पहले अच्छी चीज़ के बारे में डिस्कस करें। अगर किसी को क्रिटिसाइज़ करना चाहते हैं, सबसे पहले उनकी अच्छाइयाँ सामने लाएं। अगर आप किसी को के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, उस मुद्दे का जो पॉजिटिविटी है उसको पहले सामने लाएं और फिर नेगेटिविटी लाएं। क्योंकि जब पॉजिटिविटी आती है और उसके बाद नेगेटिविटी आती है तो लोग ज़्यादा एक्सेप्टेबल होते हैं। सेकेंड एस्पेक्ट ये है कि अपना व्यू पॉइंट कैसे लोगों के सामने डालना है। कई सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे आर्ग्यूमेंट करने का कोई मतलब ही नहीं होता बिकॉज एक सोशल गैदरिंग है। उधर लोग मिलते हैं कॉन्टैक्ट्स बनाने के लिए, लोग मिलते हैं बॉन्डिंग करने के लिए, नेटवर्किंग करने के लिए। मगर जहाँ इश्यूज़ हैं डिसीजन मेकिंग के, चाहे घर हो या बिजनेस हो, उसके अंदर ये अंडरस्टैंड करना है कि आपने अपना व्यू पॉइंट किस तरीके से प्रेजेंट करना है। उसके अंदर क्या है कि जब बाकी लोग पार्टी में शामिल हैं या एक मीटिंग हो रही है घर के अंदर, उसके अंदर कई लोगों को पार्टनर्स बनाएं अपने साथ ताकि कोई आपकी ओपिनियन को सेकंड कर सके। और जब कोई आपकी ओपिनियन को सेकंड करता है तो उसमें आपको और भी कॉन्फिडेंस आता है अपना व्यू पॉइंट पुट अक्रॉस करने के लिए, स्पेशली जब आपने नो बोलना होता है किसी को। जब भी आप कभी नो बोलना चाहते हैं किसी भी सिचुएशन के अंदर, तो उसके साथ जो बैकिंग है उसके 5 पॉइंट्स होने चाहिए क्यों आप नो कहना चाहते हैं। हर एक चीज़ को आप वैलिडेट करें, हर एक चीज़ को आप रीजनेबली प्रेजेंट करें कि पहला पॉइंट ये है इसलिए मैंने नो बोला है, सेकंड पॉइंट ये है इसलिए मैंने नो बोला है, एंड सो वो 5 पॉइंट्स होना बहुत ज़रूरी है। एवरी नो मस्ट हैव अ लॉजिक, विदाउट अ लॉजिक यू कैनॉट से नो। सो द आर्ट ऑफ सेइंग नो मीन्स एक तो असर्टिवनेस होनी चाहिए। असर्टिवनेस का ताल्लुक लो सेल्फ इस्टीम के साथ भी है। जब हम सोचते हैं कि बाहर की दुनिया हमारे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या वो हमारे से बेटर हैं, तो आर्ट ऑफ असर्टिवनेस या आर्ट ऑफ सेइंग नो कहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सेल्फ इस्टीम इश्यूज़ को पहले डील करें। और वो कैसे डील करते हैं, या तो काउंसलिंग सॉर्ट आउट करें थ्रू प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट, या प्राणायाम करें, प्राणिक एक्सरसाइजेस करें, उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। और जब थोड़ा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता है तो नो कहना ज़्यादा आसान होता है। जब भी आप कभी नो कहना चाहते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है दैट योर सेल्फ बिलीफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने अंदर क्या बिलीव करते हैं। सेकंड इज़ आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है। और तभी नो बोलें जब आप
कॉन्फिडेंस के एनवायरनमेंट के अंदर हैं। अगर कुछ लोग आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं तो उनके सामने शुरू करिए नो बोलना लोगों को।